केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। कांवड़ मार्ग के प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ अब सरधना विधायक अतुल प्रधान ने भी बिगुल बजा दिया है। सपा विधायक का कहना है कि यूपी में प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में साबित कर दिया है कि वह भाजपा की हिंदू मुस्लिम नीति से उकता चुकी है, लेकिन एक बार फिर से भाजपा अपनी पर उतर आई है। कांवड़ यात्रा के दौरान भाजपा ने फिर से समाज को बांटने की कोशिश करते हुए कांवड़ रूट पर प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने की बात की है। एनडीए गठबंधन के कई घटक इसका विरोध कर रहे हैं। इससे यह भी साबित हो रहा है कि भाजपा इस मुद्दे पर अकेले पड़ गई है। अनर्गल बातें करने वालों को लोगों ने ठुकरा दिया है। बाकी 2027 में इंडिया गठबंधन को प्रदेश की जनता जिताने जा रही है। सपा विधायक आज मेरठ कार्यालय पर मीडिया से वार्ता कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, देखिए। हमारी पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारी महिला सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और भी हमारे तमाम साथी पार्टी के महासचिव जी हैं, निरंजन भाई जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कार्यालय को देखते हैं, मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करूंगा और आपका विशेष शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और जिसमें मुख्यतः समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक परिणाम दिया और जनता ने ये बता दिया कि तानाशाही नहीं चलेगी, पूरा का पूरा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश करती है, हम देश की और प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन सब विषयों से हटकर इंडिया गठबंधन को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को एक तरीके से मजबूती प्रदान करने का काम किया है और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। उनके बड़े नेताओं के आप अगर बयान देखेंगे, बड़े नेताओं के अगर उनके बयान देखेंगे तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना कि उनकी जो सोच थी, उनका जो मन था, वो बढ़ा हुआ था और उन्होंने बहुत कमतर आंका जनता को और समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को। इसलिए इसी तरीके से हमने तो कल देखा एक स्टेट मिनिस्टर का इस्तीफा भी आया, पहले पूर्व में यह भी देखा कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने इस्तीफे की बात की और जब ये वाली सब चीजें चल रही हैं और जनता एक तरीके से, भारतीय जनता भी आतुर है कि किस तरीके से जनता ये चाहती है कि ये हटें, तो ऐसे समय पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो ही अपना पुराना राग अलापने पे लग गई। वो फिर हर तरीके से समाज के गरीब तबके में, निचले तबके में, कमजोर तबके में, किसानों में, लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश अब आगे बढ़ चला है, अब वो चीज पीछे छूट गई। अब जो विषय लेकर आए थे समाजवादी पार्टी और खास तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ा, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर चुनाव हुआ, गरीबी पर चुनाव हुआ, बेरोजगारी की चर्चा हुई और हर व्यक्ति ने इस चीज को माना कि ये विषय बड़े हैं, इन बड़े विषयों को लेकर चले। आज के दौर में फिर एक हमारे यहाँ, हम लोग भी चूंकि मेरठ के रहने वाले हैं, हमने भी बचपन से देखा जिस तरीके से हमारे भोले के भक्त कांवड़ लेकर आते हैं, बड़ी संख्या में हमारे गांव में जोश जुलूस उत्साह से लोग जो हैं कांवड़ियों को भेजते हैं, फिर कांवड़ी आराम से निकलते हैं और कई बार तो फूलों की वर्षा होती है। कई जगह हम लोग देखते हैं कि लोग भंडारे लगाते हैं, कई कोई पानी की व्यवस्था करता है और सभी जाति वर्ग के लोग मिलकर बहुत अच्छे तरीके से कांवड़ का आयोजन, हालांकि साल में दो बार होती है,
लेकिन जो सावन वाली कांवर होती है इस कांवर में संख्या ज्यादा होती है, कई बार करोड़ों करोड़ों में हो जाती है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को निचले स्तर पर बांटने की कोशिश की है, हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसका खंडन किया, हम लोग मेरठ में चूंकि हमारे यहीं से खुद जहां से मैं विधायक हूं, माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे यहीं से पहले रजवाई की पटरी से, फिर गंगनहर की पटरी से और फिर मेन नेशनल हाईवे 58 से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। हम लोग भी हमेशा भंडारों में जा जाकर कहीं जलपान कराना, कहीं मेडिकल की सुविधा जांचना, और कई जगह हम लोग विधायक भी नहीं थे तब भी हमारी पार्टी और संगठन के लोग लगातार उसमें काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नाम लिखने की पॉलिटिक्स की है, हम लोग ये सोचते हैं कि ये समाज को बांटने की कोशिश है। और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने भी ये माना कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत इसमें ठीक नहीं है, इससे समाज बटेगा। हम लोग उसी चीज को आपके सामने आज प्रेस के माध्यम, चूंकि हमारे मेरठ के लोग हैं और मेरठ ये 1857 की क्रांति का शहर है, जब आप शिलापट देखेंगे तो उस 1857 की क्रांति में जो हमारे शहीद हुए, जैसे हम शहीद धन सिंह कोतवाल जी का नाम लेते हैं, उनकी कई चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, उसी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर 1857 की लड़ाई में भी शरीक होकर देश को आजादी दिलाने का काम 15 अगस्त 1947 तक किया। और इसी तरीके से अब भी कांवड़ के समय पर आप देखिए कई जगह कांवड़ निर्माण करने का काम हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, कांवड़ियों का स्वागत हमारे मुस्लिम भाई कई जगह बढ़ चढ़ कर करते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन और साथ साथ उनके भी कई सहयोगी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विचार पर अकेले पड़ गई है और हम भी इस चीज का विरोध करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कई नाम मिलते जुलते रहते हैं, जैसे कोई बाबू रख ले, कोई नत्थू नाम रख ले, कई नामों का जिक्र किया, ऐसे नाम होते हैं, कई बार लल्लू कोई रख ले, नहीं ऐसे कई नाम होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। हम लोग उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, कई जगह आप ऐसा देखेंगे इसी मेरठ में कि कई जगह रस्तों पर कई लोग इकट्ठा मिलकर हिंदू और मुसलमान कोई होटल चला रहे हैं, कई लोग इकट्ठा मिलकर अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये समाज को बांटने की जो सियासत है, अब ये पीछे छूट गई भारतीय जनता पार्टी, और ये जो अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं इनको जनता ने कुछ तो सबक सिखाया है। कुछ 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खासतौर से उत्तर प्रदेश में भयंकर तरीके से ये जो इनकी तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, इसको नकार कर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। होता सबके हिंदू मुसलमान सब भाई हो गए तो हमारे मुस्लिम भाई उसमें रहते हैं। आप बताइए, हम लोग सेविंग कराने जाते हैं, हम लोग बाल कटाने जाते हैं, तो कितनी कौन ऐसा आदमी है जो हमारे मुस्लिम भाई जहां पर काम करते हैं सलमानी समाज के, बताइए कौन आदमी बाल बनवाने नहीं जाता, बताइए एक आदमी कोई बता दीजिए। कोई घर बन रहा हो तो उसमें होटल में जितना कैटरिंग का आपके वेटर्स का, उसके अलावा होटल मैनेजमेंट के वे लड़के हमें तमाम मिलते हैं जो तमाम काम कर रहे हैं यहीं पर होटलों में, ऐसी कोई चीज नहीं। मालिया मोटरसाइकिल है काम, जो छोटे छोटे कारीगरी देखिए आप, अलग अलग तरीके की कारीगरी, चाहे आपके लोहे की कारीगरी हो, चाहे आपके वुड की लकड़ी की कारीगरी हो, और बताइए सहारनपुर में कितना बड़ा काम लकड़ी का है, कैसे नकार दोगे आप उस चीज को। तो ये बांटने की सियासत है, हम इसके विरोध में हैं और सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी का स्टेप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया, लेकिन चूंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी है सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की, समाज को ना बटने देने की। और जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है, जो इनकी सोच है, वो सोच हमेशा से जाति और धर्म का द्वेष विद्वेष फैलाकर अपनी पॉलिटिक्स करने की है। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति निकल कर आकर अभी एक प्रजापति समाज का हमारा गरीब बाप और बेटी, वो 11वीं क्लास में बेटी पढ़ रही थी, पढ़ना चाहती थी, गरीबी के कारण वो अपनी बच्ची को दाखिला नहीं दिला पाया, उसके कारण बाप और बेटी दोनों ने जहर खा लिया।
अगर ये सरकार बताए, आंकड़ा बताए कितने किसानों ने सुसाइड किया, ये आंकड़ा बताए सरकार कि कितने बेरोजगार लोगों ने मौत को गले लगा दिया, उसकी बात नहीं करेंगे हम। हिंदू और मुसलमान की जब ये बात करते हैं तो आपकी योजनाओं में अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना में 80-90% तक कौन लोग भर्ती कर होते थे सेना में, किसान का बेटा होता था, अब क्यों रोक दिया आपने उसने? क्या उसमें हिंदू मुसलमान की बात आप निकालते हो उसमें कि कितना प्रतिशत हिंदू हमारे समाज के लोग मिलिट्री में भर्ती होते हैं, कितने किसान लोग भर्ती होते हैं? लेकिन वो बात ये सरकार नहीं करेगी क्योंकि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अभी इससे पहले जब कांवड़ थी, हम और आप सब लोग पत्रकार साथी मेरठ में यहीं पर थे, मुख्यमंत्री जी आए थे वो पुष्प वर्षा करने, उसके ठीक बाद एक बड़ी दुखद घटना यहीं राली चौहान में हुई, हमारे छह कांवड़िए हमारे मौत हो गई। माननीय अखिलेश यादव जी सब यहां पर जब उन्हें पता चला तो पहले तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजा कि उनकी मदद होनी चाहिए, उसके बाद खुद माननीय अखिलेश यादव, हमने भी सदन में भी खड़ा होकर कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इस सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी क्योंकि मदद करने का विषय था। आप देखिए कितना बड़ा दिल है, क्या हम लोगों ने हिंदू मुसलमान की बात करके अभी हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ? समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना सरकार होते हुए 1-1 लाख रुपया 1,23,00,000 रुपया 123 लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये क्या ये जो नाम लिखे जा रहे हैं उन नामों को हटाने का काम करेंगे, क्या आपका क्या स्टैंड है? देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, सरकार ने ये असंवैधानिक फैसला है, लोकतंत्र में लोकतंत्र को खत्म करने का फैसला है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का फैसला है। इस पे समाजवादी पार्टी का सीधा स्टैंड है कि ये गलत है। आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर ऐसे नियमों पर, ऐसे कानूनों पर जो ऐसा इन्होंने झूठी चीजें आदेश दे रहे, गलत तरीके का आदेश, इस पे तुरंत लोग लगानी चाहिए। हम सदन चलने जा रहा है 29 तारीख को विधानसभा चलेगी और हम 29 तारीख की विधानसभा चलने में इस बात को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। धन्यवाद। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अभी हापुड़ में एक कार्रवाई हुई है, एसपी हटे, एडिशनल एसपी हटे, इंस्पेक्टर हटे, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए। कोई पूछे सरकार से कि रातों रात किस तरह का आदेश दे दिया? जात की बात करते हैं, एक जावेद नाम का व्यक्ति जिसकी मां बिजनौर का व्यक्ति, जिसकी मां इलाज के लिए तड़प रही थी और अगर उसकी सूचना उस व्यक्ति ने 112 नंबर पर दे दी और पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस पहुंच के कुछ बात कहती उससे पहले उनको दौड़ा लिया पुलिस को उस अमीर जादे ने। वो अमीर था, ताकतवर था, पहुंच वाला था, क्या उस गरीब की नहीं सुनेंगे? उसकी गरीब के लिए पुलिस अगर पहुंच गई वहां पर, उसको भगा दिया, फिर चौकी इंचार्ज गया उसको भगा दिया, इंस्पेक्टर गया उसको बाहर कर दिया, फिर पुलिस ज्यादा गई तो पता चला शाम को एसपी और एडिशनल एसपी दोनों ही निमट गए। बताइए क्या चल रही है सरकार, क्या सरकार करना चाहती है? छोटी छोटी बात पर जाति धर्म में लोगों को बांटना, मजहब की बात करना, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ स्पष्ट कहा गरीबों की मदद हो, किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और हमारी सरकार अगर आती तो जो इंडिया गठबंधन के वादे थे हम सारे पूरे करते। लेकिन 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये 10 उपचुनाव जो होंगे इसमें देखिएगा आप, 10 की 10 सीटें समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।